कम बैक हु आर यू के हुर फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी भी में रिम को देखते हैं जो कि सपने देख रही होती है फेवरेट आइडल जो कि उसका एक लौता क्रश भी है साथ डांस कर रही होती है यहाँ पर स्टेज पर उनका डांस चल रहा होता है सब कुछ काफी परफेक्ट था लोग उनके लिए चेयरअप कर रहे थे वो दोनों कपल से कम नहीं लग रहे थे यहाँ पर जब डांस खत्म होता है और रिम जस्ट किस करने वाले होते हैं इतने में ही एक बंदा कहता है कि हेलो मैडम मैडम क्या हुआ आपको जागी है, सारी बस खाली हो गई है इसके बाद गेन की आंख खुलती है और वो देखती है कि दरअसल वो एक सपना था यहाँ पर वो बंदा उसे बताता है कि आप अकेली बस में बचे हैं और बाकी सब लोग उतर कर भी चले गए कि आप यहीं पर रहने वाली हैं तभी गेन कहती है कि एम सॉरी वो मुझे ना नींद लग गई थी और साथ में वो सोते वक्त काफ़ी वियर्ड हरकतें भी कर रही थी इसके बाद वो एम्बेरस होकर वहाँ से भागने लगती है यहाँ पर उसे टी वी पर ताइजन ही दिख रहा था तभी वो कहती है कि ताइजोन बस वेट करना मैं भी एक बहुत ही फेमस के बब आइडल बन जाऊँगी फिर दिखाती हूँ कि आखिर मैं क्या चीज हूँ इसके बाद वो बस से नीचे उतर कर आगे स्ट्रीट पर जाती है यहाँ पर उसकी मॉम का कॉल आता है और कहती है कि तुम पहुँचे कि नहीं तो वो कहती है कि मॉम चिंता मत करिए मैं आसानी से पहुंच गई हूँ और आपको तो पता है कि मैं अपने पुराने स्कूल में भी काफ़ी फेमस थी पर फेमस होना थोड़ा टायरिंग रहता है और लोग परेशान भी करते हैं बट तो चिंता मत करिए मैं सब मैनेज कर लूँगी और इसके बाद उसे मैं ऐसा लगता है कि शायद वो अपने पुराने स्कूल में सच में बहुत फेमस रही होगी बट आगे वाले स्कूल में पता नहीं है उसका क्या हाल होने वाला है ये तो अब उसकी जर्नी ही बताएगी आफर दैट वो यहाँ पर कुछ लड़कों को स्ट्रीट पर डांस करते हुए देखती है जो कि काफ़ी अच्छा डांस कर रहे होते हैं और उनको देख कर इंप्रेस होती है और कहती है कि प्रटी गर्ट कितना अच्छा डांस करते हैं एक दिन मैं भी ऐसा ही करूँगी इसके बाद अपना सामान लेकर स्कूल कैंपस में इंटर करती है यहाँ पर वो कैंपस को देख ही रही होती है और कहती है कि आज से मेरी न्यू जर्नी यहाँ पर स्टार्ट होगी तभी तीन लड़कियाँ सामने से मटकते हुए उसके पास आती है। हैं दरअसल हम बता दें तो ताई जून दरअसल इसी स्कूल में पढ़ता है यहाँ पर उसका बहुत ही फेमस फैन क्लब भी है और तीन लड़कियाँ उसी के मेंबर हैं जो कि ताई जून की डाई हार्ट फैन है और उसके लिए कुछ भी कर सकती हैं पर इनके हाथ में जो बोर्ड है टी जे नाम का उसका मतलब भी ताई जून है इन्हें टाइकल बुलाया जाता है जो कि ताई जून के फैन क्लब से ही निकल कर आया है इसके बाद वो कहती हैं कि हम तीनों हम तीनों टाइकल की मेम्बर हैं और ताई जून की फैन भी यहाँ पर अच्छा तो ये ताई जून का फैन क्लब है तभी वो कहती है अच्छा तो तुम जानती नहीं

कितना अजीब है यहाँ के लोग भी अजीब हैं मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा टीचर गेन रिम को क्लास में इंटर करने के लिए बोलते हैं यहाँ पर जब वो इंटर करती है तो उसे सबसे पीछे बैठा ताइजुन ही दिखता है और कहती है कि क्या मैं ताइजुन के साथ एक क्लास में पढ़ने वाली हूँ मुझे तो लगता है मुझे ऑलरेडी उसे प्यार हो चुका है यहाँ पर वो उसे देखते देखते जा रही होती है इतनी तो मीओ टीचर से टकराने बस जाती है तभी वो टीचर कहती है कि कम से कम सामने देखकर तो चलो यहाँ पर वो कहती है कि अपना इंट्रोडक्शन दो गेन रिम काफ़ी अच्छे से सभी को खुद से इंट्रोड्यूस करवाती है कि उसका नाम ग्यूनर रिम है और वो दूसरी सिटी से यहाँ पर पढ़ने के लिए आई है यहाँ पर बच्चे उसका वेलकम तो नहीं बल्कि उसका मजाक जरूर बनाते हैं यहां पर वो कहते हैं कि तुम तो ऐसे इंट्रोड्यूस कर रही हो ऐसे तुम कोई सेलिब्रिटी को को हो तभी टीचर उन सभी को डांट लगाते हैं और कहते हैं कि तुम सभी लोग कम से कम केबाप आइडल बनने से पहले कच्चे ह्यूमन बीइंग तो बनकर दिखाओ हर चीज की स्टार्टिंग से भी ह्यूमैनिटी से होती है ना कि तुम्हारे एटीट्यूड से इसके बाद टीचर उसे सीट पर बैठने के लिए बोलती है और वो सीट दरअसल ताजुन के बगल में ही थी या पर वो ताजन को देखती है तो उसकी तीन डाई हार्ड फैन उससे अभी तक चिपकी हुई थी ताजन उन्हें हमेशा इग्नोर करता है बिकॉज वो काफ़ी चिपकू हैं चिपक जाती है तो खींचना मुश्किल हो जाता है तभी किसी की बाहर से आवाज आती है कि देखो सब लोग आयरन आ गई दरअसल आयरन कौन है तो हम बता दें आयरन इस स्कूल की एक सुपर मॉडल समझ लो जो कि हर किसी के दिल की रानी है और हर लड़का उस पर सिर्फ लाइन मारता है लेकिन आयरन आज तक किसी का भी जवाब नहीं देती

शायद उनकी फ़ैन हो ना तभी वो कहती है, तुम्हें कैसे पता यहाँ पर वो लड़की बता दी तुम्हारी शिकायत से पता चल रहा है कि तुम ताजुन को पसंद करती हो अब रिम आ गई है तो उसे रहने के लिए रूम भी चाहिए और आयरन दरअसल एक साल से अकेली रह रही है प्रिंसिपल आयरन के मैनेजर से बात करते हैं उसे बताते हैं अब आयरन को ड्रेम के साथ अपना रूम शेयर करना पड़ेगा बिकॉज हम उसे वैसे भी स्पेशल ट्रीटमेंट और ज़्यादा दिनों तक तो दे नहीं सकते उसकी वजह से हमें कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो मीडिया और जो पेरेंट्स हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं कि आर्यन को हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है वो भी एक स्टूडेंट है तो उसे स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करना चाहिए तभी यहाँ पर उसके मैनेजर कहते हैं तो आपको पता है ना कि आर्यन ने स्कूल को प्रमोट करने में कितनी हेल्प की है वो एक स्टार है और अगर स्टार किसी चीज़ को प्रमोट कर दे तो उसका फेमस तो होना बनता ही है इसकी वजह से आपकी स्कूल की रेटिंग भी बढ़ गई है और यहाँ पर बच्चे ज़्यादा पढ़ने आने लगे हैं यहाँ पर प्रिंसिपल कहते हैं कि वो तो बात सही है बट आपको भी समझना चाहिए आखिर वो न्यू लड़की रहेगी आयरन का रूम वैसे भी दो लोगों के लिए है और वो अकेली रहती है वो वो टीचर है वो कह देती कि कि तो आप हमें रीज़न बताइए आखिर आयरन इतनी स्पेशल क्यों है इसके बाद वो कुछ भी नहीं कह पाते उनका बंद रह जाता है आखिर वो कहते भी क्या कि आयरन क्यों स्पेशल है आप सभी को भी यही जाना होगा आखिर आयरन में ऐसा है क्या कि वो अकेली रहती है किसी से बात नहीं करती इसका खुलासा अभी हुआ जाता है इसके बाद मैनेजर जाकर आयरन से बात करते हैं पर हम आयरन की आवाज सुनते हैं तो उसकी आवाज़ किसी लड़कों की तरह होती है आयरन कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है मैं किसी लड़की के साथ रूम शेयर करूंगी नो इट्स नॉट पॉसिबल इस ज़िंदगी में तो हो ही नहीं सकता और मैं काम अभी यहीं तक बंद करने वाली हूँ अपना विक खींच देती है और मैं पता चलता है कि आयरन एक लड़की नहीं बल्कि एक हैंडसम सा लड़का है उसका नाम है हिनू वो कहता है कि ये बहुत अनोइंग है मैं उसके साथ रूम शेयर कैसे कर सकता हूँ यहाँ पर उसके मैनेजर उससे बताते हैं जो कि उसके एक अंकल भी हैं वो कहते हैं कि तुम्हें अपनी ड्रीम को अचीव करना है वो उस स्कूल में जाना तुम्हारा ड्रीम था और तुम्हें तो बताया कि तुम्हें ऐसे बॉय वहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही थी इसलिए तुम्हें लड़की बनाना जरूरी था आफ्टर दैट वो कहते हैं कि तुम्हें अपने करियर का भी सोचना इसके बाद उनके बगल में बैठा को मैनेजर कहता है कि ठीक है तुम पॉजिटिवली थिंक करो तुम्हें एक लड़की के साथ रहने को मिलेगा जो कि सुंदर भी होगी मेरे हिसाब से तो और ये तो हर लड़की की फैंटेसी और ड्रीम होता है कि आखिर वो लड़की के साथ रहे और तुम्हें तो ये मौका मिल रहा है क्या पता तुम्हें उससे प्यार भी हो जाए हाँ जिंदगी है कुछ भी हो सकता है यहाँ पर वो दोनों चिल्ला कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब है ये सब क्या बातें हैं इसके बाद बेचारी आयरन मतलब हमारा वो अपने रूम में एंटर करता है यहाँ पर वो देखता है कि कि ने सारा सामान फैला कर रखा है 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 तो वो कहता आखिर लड़की कैसी है? इतना मैसी रूम रख कर ये मेरा ही दिमाग खराब करेगी इसके बाद वो आगे जाता है यहाँ पर वो ताजुन की फोटो भी देखता है तब वो कहता है कि अच्छा तो ये लड़की ताजुन की फैन है आज करती लड़कियों की पसंद को जंग लग गई है इसके बाद अपना बैग चेक करता है जिसमें ताजुन का गिफ्ट रहता है जिसको वो बिना देखे ऐसे ही फेंक देता है और कहता है कि ताजुन उसके बकवास से सोचता है कि काश मैं उसे एक दिन बता सकू कि मैं एक लड़का हूँ तो मेरे पीछे घुम बंद कर दे इसके बाद यहाँ पर रिम आती है और कहती है कि आयरन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो यहाँ पर आयरन कोई भी जवाब नहीं देती और कहती कि तो तुम मेरी रूममेट हो ओ ये कितनी अच्छी बात है कि तुम मेरी रूममेट हो दरअसल मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ तुमसे मिलकर जब यूनबू रिम को देखता है तो वो सोचता है कि आखिर इतनी सारी सुंदर लड़कियों में से यही लड़की मेरी रूममेट क्यों बनी अभी कई सारी सुंदर लड़कियां बट इसे मेरे पल्ले क्यों बांध दिया तो वो आयरन से हाथ में लाने के लिए होती है बट आयरन उसे इग्नोर कर चली जाती है यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा तो उसने मेरा हाथ नहीं देखा होगा जरूर उसने मुझसे हैंडशेक नहीं किया इसके बाद वो खुद को दिलासा दिलाने लगती है कि हाँ उसने मेरा हाथ नहीं देखा नहीं तो मुझसे हैंडशेक करती लेकिन इसके बाद वो बिलीव कर लेती है और कहती है कि ये बहुत अनोइंग है मैं तो उससे इतनी प्यार से बात कर रही हूँ बट वही मुझे आप नहीं दे रही। क्या मेरे मेरे साथ कोई दिक्कत है? लेकिन नहीं। तो चाह में एक दिन जरूर लव हो जाओगे क्योंकि मैं हूँ इतनी प्रिटी और इंटेलिजेंट सो तो देखना हम दोनों अच्छे फ्रेंड बनकर रहेंगे उसे नीचे पड़ा था उनका गिफ्ट मिलता है जो कि उसने आयरन को दिया हुआ था तभी वो कहती है कि क्या आयरन को ये पसंद नहीं है क्या मैं ऐसे रख सकती हूँ लेकिन फिर वो सोचती है कि नहीं उसे ऐसे नहीं लेना चाहिए इसके बाद ह्यूनवू के बेड पर उसका गिफ्ट रख देती है कि कि हम ह्यूनवू ऑफ आयरन को देखते हैं जो अपना फोटो शूट करवा रहा होता है यहाँ पर वो इतनी मिस्टीरियस सुपर मॉडल है पीछे कोई ना कोई दिक्कत तो होने वाली है यहाँ पर एक फोटोग्राफर उसके पीछे पड़ा हुआ है जो की उसका राज राज खोलना चाहता है कि आखिर आयरन सभी से बात क्यों नहीं करती अब दैट स्टोरी एक साल पीछे की दिखाई जाती है कि ये सिलसिला आखिर शुरू हुआ कैसे वो आयरन कैसे बन गया आफ्टर यू नो कई बार ऑडिशन में फेल हो चुका है इसके बाद वो डांस प्रैक्टिस काफ़ी हार्डली करता है तभी उसके अंकल उसे मिलने के लिए आते हैं वो उसे कुछ स्नैक्स ऑफर करते हैं जब ये तीनों बात कर ही रहे होते हैं तभी उसका मैनेजर बताता है कि जो हमारी मॉडल है दरअसल वो अपनी जगह से भाग चुकी है और उसका पता भी नहीं चल रहा है तभी वो कहते हैं कि जल्दी से ढूंढो ना हमें फ़ोटोशूट स्टार्ट करना है और हमें मैगजीन के लिए उसे टाइम पर ही पोस्ट करना पड़ेगा तभी उसकी मॉडल का कोई अता पता नहीं है तभी यहाँ पर उसका मैनेजर मजाक मजाक में कह देता है कि इनू तो कितना ब्यूटी है। वो हमारी मॉडल बन सकता है अंकल इस बात के लिए उसे जस्ट पढ़ मारने के लिए होते हैं पर वो रुक जाते हैं अब बताए इन दोनों के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहते हैं कि ये हो सकता है तभी वो दोनों हंसे हुए बेचारे यूनू की तरफ देखते हैं तभी यूनू कहता है कि क्या मेरी तरफ ऐसा क्या देख रहे हो मैं ऐसा वैसा इंसान नहीं हूँ आफ फर देट हिनू को लड़की की तरह तैयार किया जाता है और ये प्रॉमिस किया जाता है कि वो किसी को भी नहीं बताएंगे इसके बारे में और ये सीक्रेट अभी तक सीक्रेट ही है किसी को भी नहीं पता कि आयरन ये हून है और हूनवू ही आयरन ये सब एक बार स्टार्ट होता है तो इसका एंड पॉइंट हून वो को कभी दिखता ही नहीं है जल्दी ही आयरन को बड़ी बड़ी मैगजीन से ऑफर आने लगे कि उसका फोटो शूट वो लेना चाहते हैं इसके बाद क्या है उसके अंकल आयरन को हर बार मना लेते हैं कि ये लास्ट टाइम है लास्ट टाइम है और हून वो को ना चाहते हुए भी वो सब करना पड़ता है बिकॉज ये सब उसके लिए मनी ही लेकर आ रहे थे और पैसा ही तो सबसे ज्यादा जरूरी है आखिर जिंदगी चलानी है तो आयरन देखते ही देखते ही सुपर मॉडल बन गई इसके बाद ये सब कभी अपनी खुद की जिंदगी जिएगा हिन् के नाम से इतने रेमा पर आ जाती है और कहती है तुम जल्दी बाहर निकलो ना मुझे वॉशरूम यूज करना है इसके बाद इरीटेट होकर बाहर निकल जाता है यहाँ पर वो सोने की कोशिश करता है तभी उसके बेड पर वही गिफ्ट वो दोबारा से दिखता है उसे ओ फिर से दूर फेंक देता है इतनी मेरी रिम बाहर निकल कर